जब एबीवीपी के साथ कनेक्टेड हुए देन आपने एक लंबा वक्त आरएसएस के साथ बिताया 35 years, तो आरएसएस के साथ ज्वाइंट करके मतलब क्या कुछ सीखने को मिला और अपने आप को उसके अंदर कितना मिक्स किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे किसी ने कहा था कि एक खुली यूनिवर्सिटी है जो छात्रों में कर्मचारियों में हर नागरिक में देशभक्ति की भावना भरती है। संघ आपको सिखाता है कि जो भी काम करिए प्रामाणिकता से करिए। आप बड़े नहीं हैं, संस्था बड़ी नहीं है, दल बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा राष्ट्र है, सबसे बड़ा देश है। देश के लिए हमको सब कुछ करना है, देश के लिए कुर्बान होने की भी मादा हमें रहना चाहिए और ईमानदारी से प्रामाणिकता से अपना काम करना। अपने अधिकार की बात नहीं करनी, अपने कर्तव्य की बात करनी। अपने लिए नहीं सोचना, अपने देश के लिए सोचना। देश हमको बहुत कुछ देता है, हम देश को कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये चीजें संघ ने सिखाई। इसलिए आपने देखा होगा कि राजनीतिक जीवन में या किसी भी जीवन में जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए हैं उनका व्यवहार, उनका आचार पूरी प्रामाणिकता कर रहा है, उनका पूरा दाग रहित रहा है, बेदाग रहा है उनका। जितेंद्रवीर गुप्ता आरएसएस के संघ चालक थे, इमरजेंसी में जेल में रहे, मैं उनके साथ था और उसके बाद वो हाईकोर्ट के जज बने, चीफ जस्टिस बने और आज सारा देश इस बात को मानता है कि जस्टिस जीवी गुप्ता बहुत ही ईमानदार जजों में थे, सारा दिन अपना काम करते रहते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी ईमानदार नहीं थे, लेकिन उनसे आए हुए बैकग्राउंड के लोग, जस्टिस रामा जॉयस आए और बहुत सारे जजेस आए और बहुत सारे ऑफिसर्स आए। संघ ने अगर मैं नपे तुले शब्दों में कहूँ, ईमानदारी से प्रामाणिकता से जो भी जिम्मेवारी मिली है उसको निभाना, फल की इच्छा नहीं करनी, कर्तव्य का एहसास करना और राष्ट्र के उत्थान के पथ पर बढ़ते जाना निस्वार्थ, ये मुख्य तौर पर संघ ने लोगों में सिखाने का प्रयास किया है और बहुत तक वो सफल भी रहे हैं। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां, जिनको लगता है कि भी हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यही स्वयंसेवक है क्योंकि ये लालच में लोभ में आता नहीं है और ये निस्वार्थ भाव से काम करता है। दूसरा, इमरजेंसी जब लगी 1947-48 में जब संघ पर बैन लगाया गया, देखा यह गया कि उन सभी प्रतिबंधों के बावजूद ये संस्था आगे बढ़ती है। इस संस्था में कुछ जाति पाति के नाम पर काम नहीं होता, धर्म के नाम पर विभाजित नहीं होती। तो कुछ लोगों को ये लगा कि हम अगर आरएसएस का हवा खड़ा करेंगे तो हमको शायद मुसलमानों का वोट मिल जाएगा और माइनॉरिटीज का वोट मिल जाएगा। तो उन्होंने राजनीतिक कारणों से एक टारगेट बनाकर हवा बना दें आप लोगों के सामने, ये आपको खा जाएगा, ये आपको मार देगा, वो हवा खड़ा करने का प्रयास किया, जो अप्रोच आज भी जारी है। मुझे याद है जून 1974 की बात है, इमरजेंसी से पहले श्री स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी हमारे आरएसएस के कैंप में आए थे और कैंप में सारा दिन रहने के बाद उन्होंने कहा कि सारा कैंप देखने के बाद मैं कहता हूं कि अगर आरएसएस फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूं, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जिसके कैंप में कोई जाति पाति नहीं पूछी जाती, सब मिलकर रहते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, मिलकर रहते हैं। तो ये एक राजनीतिक हथियार के तौर पर कुछ संस्थाओं ने, खासतौर पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट संस्थाएं, उनको लगता है कि जब तक हम आरएसएस को समाप्त नहीं करेंगे हमारी राजनीतिक इच्छा में रुकावट आ सकती है, तो राजनीतिक कारणों से वो इसको मुद्दा बनाते हैं। अन्यथा आरएसएस ने इतने सेवा के काम किए, कभी तूफान कहीं आया, कहीं भूचाल आया, कहीं बाढ़ आई, सबसे पहले आरएसएस के वर्कर पहुंचते हैं। लेकिन जिस जिस को संघ में जाने का, उसको समझने का मौका मिलता है तो फिर उसको लगता है कि नहीं, मैं गलत था, संघ ठीक है। हिंदुत्व का मुद्दा एक्चुअली क्या है? मतलब ये पब्लिक में नेगेटिव पॉइंट में भी जाता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू योर पार्टी हिंदुत्व क्या है? हमने बार बार स्पष्ट किया है, जब हम हिंदुस्तान की, हिंदू की बात करते हैं तो वो यहाँ की सिटीजनशिप है, यहाँ का रहने वाला हर आदमी हिंदू है। उसका धर्म अलग हो सकता है, किसी का धर्म इस्लाम हो सकता है, किसी का धर्म क्रिश्चियनिटी हो सकता है, किसी का धर्म जैन हो सकता है। बेसिकली हमारा कहना यह है कि जो हिंदुस्तान में रहता है, इस देश को अपना मानता है, वो हिंदू है। इसको आप भारतीय कह लें, आप इसको इंडियन कह लें, वो आपका शब्द उसमें हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, सुप्रीम कोर्ट में आया कि हिंदू कौन है, तो जस्टिस कुलदीप सिंह का जजमेंट है 1992-93 का, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, जीवन का ढंग है। अब जो भगवान को मानता है वो भी हिंदू है, जो भगवान को नहीं मानता वो भी हिंदू है, आर्य समाज मूर्ति पूजा नहीं करता तो वो भी हिंदू है, सनातन धर्मी मूर्ति पूजा करते हैं तो वो भी हिंदू है, मैं जैन समाज के मेरा धर्म से संबंध है, जो साधु संतों की पूजा करते हैं वो भी जैन है, जो मूर्तियों की पूजा करते हैं वो भी जैन है, साधु संतों में कोई नगद साधुओं की पूजा करते हैं, कोई सफेद कपड़े वालों की पूजा करते हैं। मजहब अलग अलग हो सकता है, धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन नेशनलिटी हमारी सेम है। इसलिए जब हम ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, तो उसमें मुसलमान भी, ईसाई भी, सब लोग शामिल होते हैं।
राजनीति में आज धर्म बहुत हद तक इन्वॉल्व है, बिना धर्म के राजनीति नहीं की जा सकती, जाति के बिना राजनीति नहीं की जा सकती, तो अकॉर्डिंग टू यू ये चीज ठीक है एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में अब जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने जाते, क्या हमारे नेता के लिए सही है? ये गलत है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर वोट मांगना कानूनी दृष्टि से भी और नैतिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है। धर्म का मतलब क्या है? हम कई बार धर्म को बहुत नैरो सेंस में लेते हैं। हमारे यहाँ महाभारत में, रामायण में, उपनिषदों में, बाकी सब में जिक्र आता है कि राजा का धर्म ये है, पुत्र का धर्म ये है, पिता का धर्म ये है, माता का धर्म ये है। हमारे यहाँ जो धर्म का कंसेप्ट है, धर्म का कंसेप्ट नैतिक मूल्यों के साथ है। राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। प्रजा का धर्म है राजा के प्रति पूरा सहयोग करना। पुत्र का धर्म है अपने पिता की देखभाल करना। पिता का धर्म है कि वो अपने पुत्रों की, बच्चों की तरफ पूरा ध्यान दे। तो हमारे यहाँ जो धर्म का कंसेप्ट है, धर्म हमारे यहाँ नैतिक मूल्यों के साथ है। रिलीजन जो है अंग्रेजी का शब्द, वो धर्म की सही व्याख्या नहीं है, उसकी सही ट्रांसलेशन है पंथ, आपका अपना सेक्ट। रिलीजन, रिलीजन आपका सेक्ट है, धर्म आपका नैतिक कर्तव्यों के साथ जुड़ी हुई चीज है। इसलिए अगर आप नैतिक मूल्यों को राजनीति में नहीं रखोगे तो क्या अनैतिक मूल्यों को रखना चाहोगे? लोग कह देते हैं धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन किस धर्म को अलग होना चाहिए वो आपका व्यक्तिगत जाति पाति पंथ की बात आती है, लेकिन नैतिक मूल्य रहे इसमें तो किसी को शक नहीं है। धर्म कहता है कि सच बोलना ठीक है, झूठ बोलना पाप है, तो अगर हम कहें कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए तो क्या उल्टा होना चाहिए कि सच बोलना पाप है, झूठ बोलना सत्य है? धर्म नैतिक मूल्यों के साथ है, अगर उसकी सही परिभाषा को हम समझे तो मैं समझता हूँ कि आगे हमने धर्म राज युधिष्ठिर कहा, क्यों कहा? क्योंकि वो नैतिक मूल्यों पर अड़े हुए थे, इसलिए उनको धर्म राज कहा। इसलिए नहीं कहा कि वो कोई विशेष पूजा पद्धति में विश्वास करते थे या किसी विशेष भगवान को याद करने का उनका अपना अलग से ढंग था। धर्म राज यानी वो धर्म को मानकर चल रहे थे, यानी वो नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देते थे। धर्म राज